बेंगलुरु में लड़की के साथ गैंगरेप, ऐप बेस्ड बाइक चालक ने दिया वारदात को अंजाम। श्रद्धा हत्याकांड में बाथरूम किचन के अलावा बेडरूम से भी मिले खून के धब्बों के सैंपल। श्रद्धा हत्याकांड में 1 दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, कोर्ट से मिली अनुमति। कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप के मैच पर सट्टा लगाते 7 आरोपी गिरफ्तार। NIA ने गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर पर की छापेमारी। दिल्ली में MCD टिकट रिश्वत मामले में आरोपी शिवशंकर पांडे को मिली जमानत। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या का केस CBI कोर्ट हैदराबाद में ट्रांसफर। अरविंद केजरीवाल ने कहा 75 साल में पार्टियों और नेताओं ने भारत को गरीब देश बना दिया। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब पर हमले के बाद FSL के बाहर BSF की टीम तैनात। द कश्मीर फाइल्स पर IFFI जूरी हेड के बयान की इसराइल दूतावास ने की आलोचना। दिल्ली NCR, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में 20 ठिकानों पर NIA की रेड। गुजरात के जूनागढ़ में केमिकल पीने से 2 लोगों की मौत। अमेरिका ने चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ जारी प्रदर्शन का किया समर्थन। यूक्रेन के खेरसोन में एक हफ्ते के अंदर 258 बार बरसाए गए बम, जेलेंस्की का दावा। नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनी लक्ष्मी सिंह। नवी मुंबई के मानसरोवर रेलवे स्टेशन के पास 34 टू व्हीलर आग से जलकर राख। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। जफर इस्लाम ने कहा केजरीवाल जिसके पास जाते हैं उसे डस लेते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा 20 साल पहले गुजरात में होते थे दंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने 24 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार।